फ्रेंड्स, आज हम डेज ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये सोम टू का पार्ट है। देखिए, अभी हमने जितना सोम टू में रोटेटिंग डेज ठीक पढ़ा, उस पर हमने क्या ऑब्जर्व किया है, स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है, सेंटर से हम आगे जाते हैं, स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही है। पर ये क्या है, डिस्क है, हम स्टडी करेंगे अभी। डिस्क हैविंग यूनिफॉर्म स्ट्रेस, यानी कहने का मतलब जितना स्ट्रेस इस पॉइंट पे है या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, यहाँ पे एनी वेयर इन दिस डिस्क, स्ट्रेस वैल्यू विल बी सेम। स्ट्रेस क्या होना चाहिए, सेम। तो कहने का मतलब देखिए, ये डिस्क कैसी है, जैसे आपका रोटी बेलने का चकला होता है उस टाइप है, सेंटर से थोड़ा मोटा। ये देखो, ऊपर से अगर फ्रंट व्यू में देखोगे तो सर्कल दिखेगा, पर वो क्या है, सेंटर से थोड़ा उठा हुआ है। और जैसे अभी सेंटर से ये उठा हुआ आएगा, बाहर की तरफ थोड़ा दिखेगा, यानी इस टाइप से दिखेगा। जैसे ये इस साइड व्यू है, सेंटर से उठा हुआ बाहर, और जैसे अभी जा रहे हैं सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसकी थिकनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसकी थिकनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि थिकनेस एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो स्ट्रेस कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं एरिया बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो एरिया हम कम कर देंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू इक्वल ही आ जाएगी। तो ये क्या है, डिस्क है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ को स्टडी करें कि थिकनेस को कैसे वैरी करें, कि ऑल ओवर द डिस्क सभी पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहे, आपकी सेम रहे। तो उसके लिए देखिए, ये मैंने एक डिस्क कंसिडर की, ठीक है, डिस्क, और ये उसका साइड व्यू है। साइड व्यू, सेंटर पे उसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस एट द सेंटर कितनी है, टी नोट। थिकनेस एट द सेंटर कितनी है, टी नोट। अब इसको स्टडी करते हैं कैसे। लेट मी कंसिडर ए स्ट्रिप, ये मैंने स्ट्रिप कंसिडर की, ये मैंने स्ट्रिप कंसिडर की, ये स्ट्रिप कहां पे, यहां पे है, ये स्ट्रिप इस पॉइंट पे, ये किस रेडियस पे, यहां से आर रेडियस, यहां से कितने रेडियस पे, आर, ये आर रेडियस। यहां पे थिकनेस कितनी है इसकी, टी, और यहां पे थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस कितनी है, टी प्लस में रेडियस। यानी टी क्या है, थिकनेस एट आर रेडियस, और टी प्लस में डी टी क्या है, थिकनेस एट आर प्लस में डी आर, और ये डिस्टेंस कितना है आपका, डी आर। यानी डी आर डिस्टेंस के बाद ये डिस्टेंस कितना है आपका, डी आर, यहां से लेंगे यहां पर, इस डिस्टेंस के बाद इसकी थिकनेस कितनी होगी, टी प्लस में डी टी, ठीक है। सिग्मा, सिग्मा क्या है आपका, रेडियल एंड सर्कमफेरेंशियल, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस, जैसा कि इसका नाम है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यानी हर डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, सेम है, दैट इज सिग्मा। अब मैं स्ट्रिप को थोड़ा सेपरेट बना रहा हूं, देखिए स्ट्रिप को सेपरेट बनाया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी, ये ए बी सी डी। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा था, सिग्मा आर, और सिग्मा को क्या जूम कर रखा है, सिग्मा, तो इसे यहां क्या लग रहा है, सिग्मा। यहां पे क्या लग रहा था हमारा लास्ट उसमें वीडियो में, सिग्मा आर प्लस में डी आर, रोटेटिंग रिम में हमने पढ़ा था या डिस्क के अंदर, यहां का सिग्मा आर है तो यहां कितना था, सिग्मा आर प्लस में डी सिग्मा आर। पर ये यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है तो ये सारे किसके इक्वल होंगे, सिग्मा के, ठीक है। यहां पे क्या लग रहा था मेरा, इस डायरेक्शन में हुप स्ट्रेस लग रहा था, सर्कमफेरेंशियल, दैट इज सिग्मा सी, बट सभी स्ट्रेस इक्वल है तो दैट इज सिग्मा, दैट इज आल्सो सिग्मा। इफ दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल विल बी डी थीटा बाय टू, डी थीटा बाय टू, एंड दिस एंगल इज डी थीटा। अब देखिए, इसको रिजोल्व कर रहा हूं, ए बी आर को, ए बी आर को, ए बी वाली आर को, अगर ये डिस्टेंस कितना है आपका, आर है, और ये एंगल डी थीटा है, ए बी आर को क्या लिख सकता हूं मैं, आर डी थीटा, ए बी आर को लिख सकता हूं आर डी थीटा, और डी सी आर को क्या लिख सकता हूं मैं, डी सी आर, डी सी आर को क्या लिख सकते हैं हम, आर प्लस में डी आर डी थीटा, आर प्लस में डी आर डी थीटा। और देखो AD, AD, this side, AD, this is AD,
and this is BC. AD is equal to BC. Equal to DR. अब मैं स्ट्रेस में कन्वर्ट कर रहा हूं. अब देखिए ये क्या है आपकी डीसी. डीसी इसको एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, दिस डीसी इनटू में थिकनेस. डीसी के रिस्पेक्ट में थिकनेस कितनी है आपकी, डीसी आर इनटू में थिकनेस, दैट इज इक्वल टू टी प्लस में डीटी. ये अब क्या बन गया आपका फोर्स. सिमिलर मैनर में यहां पे कितना सिग्मा. अब यहां पे आर कौन सी है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका ए बी, ए बी आर इंटू में थिकनेस. इस पॉइंट पे थिकनेस कितनी है टी, ए बी पे थिकनेस कितनी है टी, और डीसी पे ये क्या है आपका, ये ए बी है और ये डीसी थिकनेस इस पे. और यहां पे एरिया कितना हो जाएगा, ए डी इंटू में टी. सेम यहां पे ए डी इंटू में टी. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं मैं. देखिए अब ये रोटेट कर रही है तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल. अब मैं फोर्सेस को रिजोल्व कर रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में, फोर्सेस को रिजोल्व कर रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में. तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो एक लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एफ सी, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है एफ सी, एक ये लग रहा है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा डी सी. डीसी आप क्या लिख सकते हैं यहां से, आर प्लस में डी आर, आर प्लस में डी आर इंटू में डी थीटा. ये तो ये आर हो गई, ये तो हो गया डीसी, ये पूरा गया डीसी इंटू में टी प्लस में डी टी. ये दोनों ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए, एक लग रहा है सिग्मा आर, सिग्मा सिग्मा इंटू में एपी, एपी को क्या लिख सकते हैं यहां से, आर डी थीटा. ये पूरी क्या चीज है, ए बी आर की वैल्यू, ए बी इंटू में टी. अब देखिए इसका कंपोनेंट एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक यहां से डाउनवर्ड, तो दो हो जाएंगे. तो डाउनवर्ड में कितने लगे, दो, टू सिग्मा ए डी. ए डी को क्या लिख सकते हैं हम, डी आर. देखिए ए डी, ए डी किसके द्वारा है, डी आर. तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एडी किस डी आर, यहाँ पे भी डीआर. तो टू सिग्मा डीआर इंटू में टी इंटू इसका कंपोनेंट इसमें देखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन डी थीटा बाई टू. और साइन डी थीटा स्मॉल है तो साइन को क्या लिख देंगे, डी थीटा बाई टू, और टू से टू कैंसिल. तो ये दो फोर्सेस तो आपके आगे अपवर्ड डायरेक्शन में और दो डाउनवर्ड में. तो मैं इसको एक बार फिर सॉल्व करके इजीली वे से समझाता हूं. देखिए ये फोर्स को मैंने रिजोल्व कर रहा, इस फोर्स को मैं सिग्मा एफ सी इसको मैं वहां पे लिख रहा हूँ उस डायरेक्शन में ताकि इजीली सोल्व हो सके. ये पूरी डायरेक्शन मैंने वहां पे सोल्व कर दी. अब देखिए यहाँ पे सोल्व करते हैं. अब मैं वर्टिकल कंपेयर कर रहा हूँ. देखिए हॉरिजॉन्टल तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. ओनली वर्टिकल को रिजोल्व कर रहे हैं, रिजोल्विंग वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट. देखिए एफ सी, एफ सी प्लस में सिग्मा आर प्लस में डी आर डी थीटा टी प्लस में डी टी. ये तो अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स हो गए, दैट इज इक्वल टू डाउनवर्ड. डाउनवर्ड में क्या लग रहा है आपका, सिग्मा आर डी थीटा टी प्लस में सिग्मा आर, सॉरी सिग्मा डी आर टी डी थीटा. अब इसको सोल्व कर रहा हूं. देखो एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ सी को क्या लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर. और मास को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू में वॉल्यूम. वॉल्यूम किस इक्वल होता है आपका, डी आर. देखिए इस स्टेप का वॉल्यूम क्या हुआ, डी आर इंटू में इंटू में आर ओमेगा स्क्वायर. इसको सोल्व करेंगे तो देखो रो एक आर ये और एक आर ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर. और यहां आ गया डी आर डी थीटा और टी. फोर्स की जगह ये लग गया,
क्या रखेंगे, रो ओमेगा स्क्वायर। देखिए फोर्स को क्या लिखा, एम आर ओमेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, आर डी थीटा डी आर इंटू में टी। तो आर डी थीटा डी आर इंटू में टी, ये वॉल्यूम, ये आर ओमेगा स्क्वायर। इसको सोल्व करके ये वैल्यू आई, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टी डी आर डी थीटा प्लस में सिग्मा। इसको आपस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो इसको इससे करा तो आर टी, इस टी को इससे करा, इस टी को इससे करा, डी आर इंटू में टी। अब इस डी टी को इससे कर रहा हूँ आर डी टी प्लस में, इसको इससे कर रहा हूँ डी आर डी टी इंटू में डी थीटा, ये डी थीटा बार, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में आर इंटू में डी थीटा इंटू में टी प्लस में सिग्मा डी आर डी थीटा। अब देखिए डी थीटा इसमें भी है, डी थीटा इसमें भी है, और डी थीटा इसमें भी है, कैंसिल आउट, और डी थीटा इसमें भी है, कैंसिल आउट। अब आपके पास क्या बच गया, रो रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टी, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टी डी आर प्लस में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आर टी सिग्मा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आर टी सिग्मा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो टी डी आर सिग्मा, इसको इससे करा टी डी आर सिग्मा प्लस में, इसको इससे करूंगा तो आर डी टी सिग्मा, आर डी टी सिग्मा। अब देखिए ये क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगलेक्ट कर देंगे, स्मॉल का प्रोडक्ट भी स्मॉल आता है, तो ये क्या कर दिया हमने, नेगलेक्ट कर दिया। तो देखिए अंदर कितने 1 2 3 तीन टर्म मैंने लिख दी, सबके साथ सिग्मा लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू सिग्मा आर टी प्लस में सिग्मा डी आर टी। अब देखिए ये सिग्मा आर टी, सिग्मा आर टी और ये क्या है, सिग्मा आर टी, सेम चीज है, कैंसिल आउट, ये भी वही है सिग्मा आर टी, सिग्मा आर टी। यहां पे क्या है सिग्मा डी आर टी, और यहां पे क्या है सिग्मा डी आर टी, तो ये कैंसिल आउट, आपके पास क्या बच गया, दो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टी डी आर प्लस में आर डी टी सिग्मा, ठीक है, ये कैंसिल आउट, इक्वल टू जीरो, ये बच गया। इसको उधर लेके जा रहा हूं मैं, इस तरफ को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आर डी टी सिग्मा दैट इज इक्वल टू माइनस में रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टी डी आर। देखिए एक आर से ये आर कैंसिल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख रहा हूं, टी टी ये टी यहां पे आ गया, ये सिग्मा उधर चला गया, माइनस में रो ओमेगा स्क्वायर आर टी सॉरी टी तो कैंसिल हो गया, टी इधर आ गया सिग्मा आर डी आर, और ये सिग्मा इधर आ गया यहां पे। देखिए क्या क्या, इस सिग्मा को उठा के मैंने यहां ले आया है, और इस टी को उठा के यहां ले आया है, बस नथिंग एल्स, सेम है बाकी। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा एल एन टी दैट इज इक्वल टू आर के रिस्पेक्ट में, तो देखो ये चीज कॉन्स्टेंट है माइनस ये सारी चीज कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे आर सिग्मा, आर सिग्मा, आर सिग्मा, आर सिग्मा, ठीक है। और अब आर डी आर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं कॉन्स्टेंट आता है, वो कॉन्स्टेंट आ गया सी। अब देखिए इसको मैंने लिख रहा हूं, इसको प्लस में सी
एलन सी, वही भी कॉन्स्टेंट है, कुछ भी लिख सकते हैं उसको, एलन सी लिखा, जी इधर आके माइनस में, तो क्या हो जाएगा एलन टी माइनस में एलन सी दैट इज इक्वल टू माइनस में रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टू सिग्मा, ये आर है, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टू सिग्मा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, एल एन टी बाई सी दैट इज इक्वल टू माइनस में रो दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एल एन देखिए, एल एन को यहां से देखिए, ये उधर जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं टी अपॉन में सी दैट इज इक्वल टू माइनस में रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में टू सिग्मा, और टी इक्वल टू सी माइनस के सी एल रो आर स्क्वायर अपॉन में टू सिग्मा, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। इसके अंदर सी की वैल्यू निकालनी बाकी है, और देखिए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाता है, जब टी अप्रोचेस टू टी नोट, टी अप्रोचेस टू टी नोट, टी कहां पे आ रहा है टी नोट पे, यानी यहां पे रेडियस कितना है, जब टी अप्रोचेस टू टी नोट तो आर अप्रोचेस टू जीरो, इस पॉइंट पे सेंटर पे रेडियस कितना होगा जीरो, ये कंडीशन इस पे लगाऊंगा, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा टी नोट, टी अप्रोचेस टू टी नोट, टी की जगह टी नोट और आर की जगह क्या होगा, देखिए जब ये नेचुरल लॉग उधर जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में, ये पूरी पावर किस में आएगी एक्सपोनेंशियल में, तो ये कैसे आएगा देखिए एक मिनट, इसको सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू सी ए की पावर माइनस में रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में टू सिग्मा, ये फाइनल रिजल्ट आया। अब देखिए बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं इसमें, बाउंड्री कंडीशन क्या, टी अप्रोचेस टू टी नोट, जब टी कहां पे है टी नोट पे, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस अप्रोचेस टू जीरो, अब इसमें लगा रहा हूं तो टी किसको अप्रोच कर रहा है टी नोट को, दैट इज इक्वल टू सी, और यहां पे आर की वैल्यू जीरो करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो, किसी की भी पावर क्या जीरो वन, तो टी नोट इक्वल टू सी इक्वल टू टी नोट, इसकी वैल्यू फर्दर पुट करेंगे इसमें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू टी नोट यानी मैं एक बार के रिजल्ट फिर से करा रहा हूं यहां पे, इस रिलेशन से मैं किसी भी रेडियस पे रेडियस और टी इन दोनों में रिलेशन निकाल सकता हूं कि कितने रेडियस पे कितनी थिकनेस होनी चाहिए या कितनी थिकनेस के लिए कितना रेडियस होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस को कॉन्स्टेंट रखते हैं, स्ट्रेस की वैल्यू आप डिफाइन कर लोगे कि इतना स्ट्रेस चाहिए, आप इन दोनों की वैल्यू, बाकी चीज डेंसिटी पता होगी मटेरियल की, किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हो मटेरियल को, वो आपको पता है, आपको बस रिलेशन निकालना है किस रेडियस पे कितने थिकनेस रखे कि थ्रू आउट दिस आपकी स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहे कॉन्स्टेंट, वो फाइनल रिजल्ट ये। यहां से हम आर और टी के बीच में रिलेशन आ गया कि किस रेडियस पे कितनी थिकनेस हो या किस थिकनेस के लिए कितना रेडियस रिक्वायर्ड है, तो ये फाइनल डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सन पॉइंट ऑफ व्यू से सोम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, थैंक यू।